खबरें ठंड से जुड़ी हुई यानी मौसम से जुड़ी हुई, जो कि ठंड अपने पूरी तरह से कहर बरपा रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मसलन राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ठंड का कहर देखने को मिला है। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 4.5 डिग्री पर आ गया है। बहुत ज्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। तमाम दूसरे इलाकों में भी इस वक्त कोहरे का भी हल्का हल्का प्रकोप शुरू हो गया है। -4.5 ये टेम्परेचर रहे इस वक्त, 0 से भी 4.5 डिग्री नीचे है राजस्थान के फतेहपुर में। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, -4.5 डिग्री पारा राजस्थान में पहुंच गया है और ये रिकॉर्ड ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हर तरफ बर्फ जमी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरह पेड़ों पर बर्फ जमी हुई दिख रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ती ठंड के साथ बढ़ गई हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीर उन जगहों की जहां पर पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर पानी जम गया है। दरअसल रेगिस्तानी इलाकों में रेत के चलते वैसे भी रात काफी ठंडी हो जाती है और मौसम क्योंकि सर्दी का है, लिहाजा पारा इस कदर गिरा कि पानी हर कहीं जम गया। रेगिस्तान पर सर्दी का स्नो अटैक, राजस्थान में -3 डिग्री तापमान, रेगिस्तान में बर्फ ही बर्फ। ये मंजर किसी को भी हैरत में डाल सकता है। राजस्थान के फतेहपुर में सर्दी का सितम बीती रात इस कदर बढ़ गया कि जो कुछ खुले में था वो जम गया। पेड़ पौधे घास पत्ते सभी पर बर्फ की चादर चढ़ गई। देखकर कौन कह सकता है कि ये राजस्थान के रेगिस्तान का नजारा है। जो सर्दी का सितम है वो फतेहपुर जबलपुर से आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो पेड़ की टहनियां हैं उस पर भी जो बर्फ का कहर है वो इस कदर है कि जो पेड़ की टहनियां वो तक है यहाँ जमी हुई आपको नजर आ रही है। देखिए आप किस कदर जो पेड़ की टहनियां है वो जमी हुई है। ये मंजर चौंका देने वाला था, लिहाजा इंडिया न्यूज संवाददाता ने मौसम के इस करिश्मे को समझने के लिए मौसम विभाग का रुख किया। मौसम विभाग के अधिकारी ने जब तापमान बताने वाली मशीन चेक की तो हकीकत सामने आ गई। तो दरअसल थर्मोमीटर बता रहा था कि रात पारा -3.5 डिग्री था। जी हाँ, -3.5 डिग्री पर सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि पानी तो पानी इंसान का खून भी जम सकता है। और सर्दी कितनी है इसका अंदाजा आप मौसम विभाग के अधिकारी के पहनावे से भी लगा सकते हैं। सब आज का टेम्परेचर -3.5 है, कल -1.2 था, 3-4 दिन से माइनस में चल रहा टेम्परेचर, उत्तरी हवाएं चल रही उत्तरी और दक्षिण। बीते कई रोज से राजस्थान के शेखावटी इलाके में न्यूनतम तापमान माइनस में ही चल रहा है, लेकिन ये अब तक का सबसे कम तापमान है जो मंगलवार सुबह दर्ज किया गया। इतनी सर्दी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। खेतों का हाल भी कम बुरा नहीं है, खेतों को दिया जाने वाला पानी जम चुका है और रात में सिंचाई करीब करीब नामुमकिन हो चुकी है। हम फसलों में पानी दे रहे हैं तब ना पाइपों में से बर्फ निकल रही है, ये देखो आज नहीं पहले भी एक बार जम चुकी है। अच्छा, दोबारा से पूरे पाइप, ये दोबारा जमी हुई आज, पूरे पाइपलाइन में बर्फ ही बर्फ है, पूरे पाइपलाइन में बर्फ ही बर्फ है। जाहिर है सर्दी का सितम राजस्थान के कई इलाकों में जानलेवा हो चुका है। लगातार गिरता पारा अब लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने लगा है। रेगिस्तान के लोग ज्यादा गर्मी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन माइनस में पारे को बर्दाश्त कर पाना अब नामुमकिन सा लगने लगा है। बर्फ जम गई है, इतनी ठंड है, आज तक नहीं गिरी इतनी ठंड। शेखावटी की ही तरह राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी गजब की सर्दी पड़ रही है। जयपुर में तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जैसलमेर में तापमान 5 डिग्री था, सीकर भी मानो जम रहा था। चुरू में तापमान 6 डिग्री दर्ज हुआ, बीकानेर में भी तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, उदयपुर में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था। सर्दी बहुत ज्यादा है, ये राजस्थान का रेगिस्तान है, यहाँ पर पाइपों के अंदर भी बर्फ जम चुकी है। जैसे पानी बाहर देखो आप देख सकते हो कि बर्फ
बर्फ का हुआ दिख रहा है सब कुछ। जाहिर है आने वाले दिनों में सर्दी का ये सितम और ज्यादा बढ़ेगा। अब बात उत्तर भारत की कर लेते हैं। उत्तर भारत में भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। यूपी के मथुरा में तो सर्दी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है ताकि सर्दी से मरने वालों का आंकड़ा कम से कम रखा जा सके, लेकिन बढ़ती सर्दी जानलेवा होती जा रही है। अब आपको बताते हैं उत्तर भारत के खास शहरों का न्यूनतम तापमान। दिल्ली में रात का तापमान 6 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है। शिमला में रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस था। चंडीगढ़ में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमृतसर में आंकड़ा 4 डिग्री का था। लखनऊ में रात का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया था। जम्मू में भी रात का तापमान 6 डिग्री दर्ज हुआ। मेरठ में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि आगरा में रात का तापमान 6 डिग्री पर पहुंचा था। यानी मैदानी इलाकों से ज्यादा सर्दी राजस्थान के शेखावटी इलाके में पड़ रही है। यहाँ रातों का तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी रेगिस्तान पर सर्दी का बर्फीला हंटर यूं ही चलता रहेगा। फतेहपुर राजस्थान से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फतेहपुर शेखावटी का जो इलाका है राजीव, ये सीकर जिले में दरअसल आता है, लेकिन अगर अभी अभी देखें तो अभी तो फिलहाल धूप खिली हुई है, लेकिन बीती दो रातों से यहां पर टेम्परेचर गिरा है और शून्य से भी नीचे पहुंच गया, इसलिए बर्फ जमी हुई हमें दिख रही है। यह हम सबके लिए खबर चेताने वाली है, सर्दी का मौसम है, लिहाजा फतेहपुर जैसा तापमान अगर गिरता है तो उसके लिए तैयारी कर रखें, थोड़ा अपनी भी देखभाल करें। इस मौसम में अक्सर बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द।